सीएम जयराम ठाकुर ने कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं को नकारते हुए कहा कि उनके दिल्ली दौरे को फेरबदल से नहीं देखा जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण वे लंबे समय से दिल्ली नहीं गए थे, ऐसे में कई विषय थे जिनमें चर्चा करनी है। कोई विषय नहीं है, दिल्ली काफी अरसे से जाना नहीं हुआ है और हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, पार्टी के संगठन के, सरकार के इश्यूज हैं, चर्चा। दिल्ली में शनिवार को बैठक के बाद अगले दिन रविवार को सीएम जयराम वापस शिमला लौट आएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम कुछ विषयों और प्रदेश सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पर पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। सीएम जयराम ने लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना के मामले में लापरवाही ना बरतें। अभी खतरा टला नहीं है, सरकार ने कुछ छूट तो दे दी है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं जिससे मामले बढ़े हैं। सर्दियां आ चुकी हैं, इसलिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। मेरा यही कहना है कि अभी भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है कोविड की दृष्टि से, इसलिए सावधानी एकमात्र रास्ता है। और सर्दी के मौसम में ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं, हालांकि नंबर तो कम आ गया था, दिल्ली में भी बढ़ोतरी हो रही है नंबर में और हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ोतरी जिस प्रकार से हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सावधानी रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग। और बड़ा कारण ऐसा हमको लग रहा है, जो हमने कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी बहुत छूट भी दी और उसमें थोड़ी बहुत लापरवाही कुछ जगह देखने को मिल रही है, जैसे शादियाँ हो रही है, हमने कहा कि नंबर कम करिए, लेकिन अब परिवार के विषय में हम बहुत ज़्यादा नहीं उलझ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में शादियाँ कई जगह दो दो तीन तीन हज़ार लोगों की वो धामें हो रही है, इन चीज़ों को लेकर के हमने कहा था हम बहुत सख्ती करें तो वो भी अच्छी बात नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मेरा लोगों से इस बात के लिए विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि हम थोड़ा जो कोरोना से बचने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उस पर अमल करें। या तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।